तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर न्यू डे। सो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे क्या बताने जा रहा हूँ वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे क्या एडिटिंग होने वाली है, कौन से स्टेप से होगी कौन से स्टेप से नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा, कौन सा ऐप है बेस्ट। चलिए पहले पिक्सार टैब में आ जाते हैं हम लोग। पिक्सार टैब में अपनी फ़ोटो को मैंने ओपन कर ली। अब सीधे से मैं इसे कटआउट पे क्लिक करूँगा। कटआउट पे क्लिक करने के बाद आप क्या स्टेप है बता रहा हूँ, तो कटआउट पे पहले क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद आउटलाइन पे क्लिक कर लूँगा। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आप साइड साइड अपने एक स्केच बना लिए। ये देखिए मैं साइड साइड कर रहा हूँ ना, तो आप भी ऐसे साइड साइड कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट को ले लेगा, आपकी बॉडी को, सारे ऑब्जेक्ट को ले लेगा, बॉडी के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हो गया डन। फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ, सही बैठा नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फिर से कर लेता हूँ। परफेक्ट बैठेगा, यहाँ पे परफेक्ट बैठा नहीं, तो यहाँ पे फ़ोटो परफेक्ट बैठती नहीं यहाँ से पिक्सार्ट से। तो पिक्सार्ट से बेस्ट ऐप एक और ऐप है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा आगे। पहले मैं इससे करके दिखा दूँ आपको, कंपेयर कर देता हूँ मैं कौन सा ऐप बेस्ट है। चलिए मैं यहाँ पे ये हो गया, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं सीधे से इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, जल्दी से मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बचा है, तो मैं इसको सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे ये सेव कर लिया मैंने, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में साइड साइड लाइन भी आ रही है, और प्लस नीचे का हिस्सा ऑब्जेक्ट में नहीं लिया। तो गैस ये सही है एक तरह से, लेकिन इससे बेस्ट ऐप एक और है, तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आ जाते हैं अब हम लोग सेकेंड ऐप में अपने, उसका नाम है फ़ोटो रूम। फ़ोटो रूम ऐप नाम है उसका, उस पर आप क्लिक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो पे क्लिक कर लेंगे और अपनी फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो को मैं यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोटो अपनी ले लेता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो आ गई, मैं फ़ोटो को अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट एक बार में ये ले लेगा, एक बार में ही ऑब्जेक्ट को, बॉडी के ऑब्जेक्ट को ले लेगा। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड एडिटिंग हो गई। तो ये आप तरीका इस्तेमाल करके अपने बैकग्राउंड में चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक टच में ही बैकग्राउंड चेंज हो गया, कुछ नहीं करना, बस फ़ोटो को क्लिक करना है, वो ऑब्जेक्ट अपने आप ले लेगा। तो यहाँ से मैनुअल आप भी कंटेंट कर सकते हैं अपना, तो यहाँ पे आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ सीधे से सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद गैलरी टू सेव टू गैलरी लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, HD में आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। काफ़ी अच्छा तरीका है, जाके एक बार आप भी ट्राई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट भी कर दिएगा, शेयर ज़रूर कर दिएगा। और मैं पिक्सार से पहले इसको कंपेयर कर देता हूँ कौन सा ऐप बेस्ट है। चलिए मैं दोनों फ़ोटो को एक साथ कर लेता हूँ पहले पिक्सार टैब में। पिक्सार टैब में मैंने क्लिक कर लिया, बैकग्राउंड को ले लेता हूँ ब्लैक कलर का, ये हो गया। तो मैं दोनों फ़ोटो को अब ऐड करूँगा, फ़ोटो रूम वाली भी पिक्सार टैब वाली भी। तो यहाँ पे मैं पिक्सार टैब और फ़ोटो रूम की दोनों फ़ोटो ऐड करूँगा। यहाँ पे बेस्ट कौन सी है मैं बता देता हूँ आपको, आप देख ही रहे हैं पिक्सार्ट की है ये, पिक्सार्ट देख सकते हैं कैसा था, और ये फ़ोटो रूम की है। देखिए फ़ोटो रूम में एक एक बॉडी का ऑब्जेक्ट ले लिया, और पिक्सार्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, साइड साइड लाइन भी आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो रूम काफ़ी बेस्ट ऐप है, आप भी एक बार ट्राई करिए फ़ोटो रूम को, आपकी भी बैकग्राउंड की एडिटिंग अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो देख सकते हैं आप, फ़ोटो रूम इज़ द बेस्ट ऐप ऑफ बैकग्राउंड एडिटिंग। सो गाइस देख सकते हैं आप मैंने क्या क्या स्टेप किया है बैकग्राउंड एडिटिंग के लिए। तो आप भी ऐसे स्टेप करके आप अपनी फ़ोटो पे चेंजेस ला सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर।